हाँ नमस्ते भैया। दोस्तों आज जो है भैया काफी दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से? गया जिला से। गया जिला से आए हुए हैं और एक बार बोल रहे हैं कि आए हुए थे, लेकिन उस समय हम कुछ काम से पहले ही निकल गए थे तो भैया जी से भेंट नहीं हो पाया था, तो आज फिर आ गए। तो इनका वीडियो देख ही रहे हैं दोस्तों कि इनका जो है काफी ज्यादा वीडियो में मेहनत रहता है, तो फाइनली दोस्तों तेल ले लिए, चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज आप लोग ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो यूट्यूब से काफ़ी कामयाबी हासिल की है और काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ भी खरीदारी किए हैं और अच्छा खासा घर भी बनाए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग का, जो झारखंड के रामगढ़ जिला में रहते हैं। हम उनके घर पर दो बार गए हैं। दोस्तों रंगीला फैमिली ब्लॉग जो है 2022 में जुड़े थे और उन्होंने अपना चैनल बनाया था 2022 में, तब से ये जो है इनका जो है मेहनत और लगन से जो है इनका चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो गया और इनका अर्निंग चालू हो गया और अभी अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर रहे हैं यूट्यूब से, प्लस फेसबुक से भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी सेम वीडियो डालते हैं। इनका काफ़ी इसके पीछे स्ट्रगल रहा है, काफ़ी मेहनत किए हैं दोनों पति पत्नी। इनके ब्लॉग में जो है अपना खुद का घर का ब्लॉग जो है दिखाते हैं, खा पी के दिखाते हैं या घर का कोई स्टोरी दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं रियल ही दिखाते हैं। और इन्होंने यूट्यूब के पैसे से अच्छा खासा घर बना लिया है। आप लोग चैनल पर इनका जो है सर्च कर सकते हैं। इनका चैनल जो है अपने हम मेंशन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या लगाए हुए हैं, ये दरअसल माइक है दोस्तों, जो जिम वॉइस अच्छे देता है। ये गिरनारों का माइक लिए हैं, ये देखिए अमेजन से मंगाए हैं, ऑनलाइन मंगाए हैं इसको। तकरीबन इसका कॉस्ट जो है 2400 रुपये हमें पड़ा यहाँ डिलीवरी कर। ये कल ही मंगाए हैं क्योंकि ये लेना अति आवश्यक था, क्योंकि इसके बगैर जो है आवाज़ जो है नॉइस बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है आ रहा था बैकग्राउंड का जो आवाज़ जो है, जिससे बच्चे हल्ले करते वो या फिर कुछ भी अगल बगल का जो आवाज़ है जिसमें रिकॉर्ड हो जाता था, इसे लगाने से आवाज़ कुछ नहीं होता। देखिए ये कूलर चल रहा है फिर भी एक आवाज़ नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि 3 लेयर जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिए हैं वीडियो में। इसको रख देते हैं, इसके भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे इस पर अपने चैनल पे, रिवील करेंगे इसका। तो दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर कभी नहीं चाहेगा कि छोटे क्रिएटर या छोटे यूट्यूबर हमसे आगे बढ़े या हमसे पैसे कमाए यूट्यूब से, वो कभी नहीं चाहेगा। वो आपको ट्रिक एंड ट्रिप्स कभी नहीं बताएगा, वो आपको सही गाइड कभी नहीं बताएगा कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए, क्या टाइटल लगाना चाहिए, क्या हाईटाइल लगाना चाहिए, वो आपको कभी नहीं बताएगा ताकि आप यूट्यूबर ना बन जाए। वो चाहेगा सिर्फ कि हमें ही देखो, हमें ही फॉलो कीजिए, बस उन लोग का बस अपना कमाने से मतलब है, अपना पेट भरने से मतलब है, वो कभी किसी का भला नहीं करेंगे। हमने बहुत सारे यूट्यूबर के पास गए हैं, फिर भी दोस्तों अपने दम पे हम 70% सीख गए हैं कि कैसे काम किया जाता है यूट्यूब पे, और 30% और सीखना है। फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है, आपको पर डे या फिर एक दो दिन का एक करके वीडियो डालना ही पड़ता है कंटिन्यू, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि आप मेरे लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना सीरियसली हैं, कितना काम आप मेरे लिए लगन से कर रहे हैं, तो यूट्यूब देखता है। उसके बाद ही आपको जो है चैनल प्रमोट करेगा और उसको भी फायदा होना चाहिए। अब जैसे लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उसको भी यूट्यूब का फायदा है, तो फायदा उसको होगा तभी आप जो है उस पर ग्रो कर पाइएगा। YouTube को लगना चाहिए कि नहीं ये जो है मेरे को फायदा पहुंचा रहा है वीडियो से, लॉन्ग वीडियो से, उसको अर्निंग ज़्यादा होगा तो आपको वीडियो प्रमोट करेगा ही। तो ये देखिए दोस्तों हमने डिजिटल का ये क्या बोलते हैं इसको, रिंग लाइट, हाँ रिंग लाइट मंगाए हैं, ये देखिए ये अभी रखा हुआ है। दोस्तों हम इसी गाड़ी से जाने वाले हैं, ये देखिए हमारा गाड़ी इसी बार से जाएंगे दोस्तों रामगढ़। देखिए दोस्तों हवाई अड्डा क्रॉस कर रहे हैं,
यहाँ से तकरीबन दोस्तों 250 किलोमीटर पड़ेगा रंगीला फैमिली के घर तक। रास्ते में चलते चलते हमें थोड़ा भूख लग गया, तो देखते हैं आसपास कहीं होटल है क्या और खाते हैं। यहाँ पे एक होटल है बढ़िया सा, यहाँ पे रुकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम एक छोटा सा होटल में आ गए हैं, देखते हैं क्या क्या खाना मिलता है, आइए आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर का सीन। तो दोस्तों खाना पीना मेरा हो गया, अब चलते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा तेल कम है तो यहाँ पे भरवा लेते हैं, तेल ले लेते हैं। पेट्रोल है, देखिए दोस्तों पावर पेट्रोल यहाँ पे नहीं है, तो चलिए आगे ले लेते हैं, आगे मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों तेल ले लिए, अब चलते हैं। फुल कर लिए हैं, अब आराम से पहुंच जाएंगे उनके घर तक। ये रूम में आज रात ठहरेंगे दोस्तों, ये रूम लिए हैं, एसी वाला है, इसी में आज रात बिताएंगे। खिड़की खोल दिए हैं ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आए। इसमें बाथरूम अटैचेबल है दोस्तों। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रंगीला जी के पास, उनके घर के पास। ये रहे, हाँ नमस्ते, बोलिए दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है भैया काफ़ी दूर से आए हुए हैं। आप कहाँ से? गया जिला से। गया जिला से आए हुए हैं, और एक बार बोल रहे हैं कि आए हुए थे, लेकिन उस समय हम कुछ काम से पहले ही निकल गए थे, तो भैया जी से भेंट नहीं हो पाया था, तो आज फिर आ गए हैं। तो आज सुबह ही सुबह बहुत जल्दी पहुँच गए। कल चले थे क्या? हाँ रात में आए थे। अच्छा रात में चले थे, अच्छा चलिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जो है खोजते खोजते जैसे आपको पता मिल गया इधर जंगल किनारे। वीडियो देखते हैं ना तो, हाँ वो वीडियो में देख करके बहुत सारे लोग जो है जान जाते हैं कि लोकेशन देख करके कैसे जो है कैसे जगह पे रहते हैं, तो उस हिसाब से लोग खोजने लगते हैं। तो आप लोग तो इनका वीडियो देख ही रहे दोस्तों कि इनका जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मेहनत रहता है, तो जिस तरह से इनको जो है मेहनत का कामयाबी मिलना चाहिए तो उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से ही नम्र निवेदन है कि जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट आशीर्वाद प्यार दिला देते हैं, उसी तरह से इनके चैनल को भी दीजिएगा ताकि भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाए। क्या भैया, तो आपको आप भी जो है जितना अच्छा से अच्छा वीडियो बन पाए, हाँ बनाएंगे, आप वीडियो पे मेहनत कीजिए। ये देखिए दोस्तों रंगीला फैमिली ब्लॉक का घर, कलवट वाला घर यही है। आइए चलते हैं अंदर, चलिए। ये रहा इनका कलवट वाला घर, देखिए नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो फाइनली दोस्तों रंगीला फैमिली से मिल चुके हैं, अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों यही था रंगीला फैमिली का स्टोरी, अब इनसे मिल लिए हैं, बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगा, और ये अच्छे आदमी हैं, सबको सपोर्ट करते हैं जैसे कि आप लोग वीडियो में देखें। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, ये देखिए हम अपने घर के करीब आ गए हैं। ये रहा हॉस्पिटल एम्स गया, दोस्तों हम घर पे आ गए हैं। गाड़ी को अभी थोड़ा झाड़ देते हैं, ये हमारा घर का लोकेशन। तो काफी दूर से दोस्तों, तो काफी आने में समय लग गया और काफी धूप किए हुए है, हालत खराब हो गया, गाड़ी भी काफी गर्म हो गया। तो फाइनली सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।